बुद्ध बाजार में खड़ी कार में अचानक लगी आग, चंद मिनट में गाड़ी जलकर हुई खाक। मंगलवार रात बुद्ध बाजार में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। नागरिक सुरक्षा कोर के विपुल अग्रवाल एडवोकेट ने अग्निशमन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची टीम। अग्निशमन विभाग ने काफी देर की मेहनत के बाद आग को बुझाया, गाड़ी पूरी तरह जली। यूपी के जनपद मुरादाबाद में उस समय यात्रियों में हड़कंप मच गया जब एक खड़ी कार में आग लग गई। क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। घटना से कार सुहा हो गई तथा दीगर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। होटल के नजदीक कार में आग लगने से क्षेत्रवासी बेहद परेशान दिखाई दिए। हुआ यूं कि रात करीब 7 बजे बुद्ध बाजार स्थित नामचीन होटल के समीप सड़क किनारे खड़ी लग्जरी कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगी। क्षेत्रवासियों में कार में लगी आग देखकर हड़कंप मच गया और वह आनन फानन में आग पर काबू करने की कोशिश में जुट गए। इस बीच सिविल लाइन के वॉलंटियर्स विपुल अग्रवाल और नदीम प्रधान ने पुलिस और दमकल को सूचना दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। करीब आधा घंटे तक बुद्ध बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। मंगलवार होने और अतिक्रमण विरोधी अभियान चलने के कारण सड़क लोगों की आमद कम थी, फिर भी एहतियात के लिए मार्ग पर आगमन रोक दिया गया। अग्निशमन केंद्र के नियंत्रण कक्ष ने बताया कि विभागीय टीम ने मौके पर जाकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि कार मिलेट के व्यापारी की थी और वह परिवार समेत विवाह समारोह में शामिल होने आए हैं। मुरादाबाद से मंडल प्रभारी रहमान अली की रिपोर्ट।